पैदा हुए वशिष्ठ गोयल, जो कि आज नवजन चेतना मंच के माध्यम से पूरे हरियाणा में एक नई अलग जगा रहे हैं, ऐसी अलग जो समाज के उत्थान की अलग है, ऐसी अलग जो पूरे समाज में युवकों को, लोगों को अच्छी आदतों की लत डालने वाली है। कहते हैं कि अच्छी आदतों की लत थोड़ी देर से लगती है, लेकिन अगर लग जाए अच्छी आदतें छूटती भी बड़ी देर से हैं। शायद आज हरियाणा की जरूरत वशिष्ठ गोयल जैसे कर्मठी लोग हैं, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और व्यापार और सामाजिक अलग अलग संगठनों और पदों पर रहते हुए यह जाना कि हरियाणा के लोगों की असली जरूरत क्या है। आज वशिष्ठ गोयल समाज में गांव-गांव ना तो सिर्फ जा रहे हैं, बल्कि लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप उठिए, आगे बढ़िए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, सच की लड़ाई लड़िए, विकास के झूठे वादों से दूर रहते हुए सही बात करने वाला, सटीक आकलन करने वाला और जनता के दिल की बात करने वाला यह शख्स अपने साथ अकेले चलते हुए आज एक बड़े कारवां में तब्दील होने का एक अच्छा उदाहरण है। आज यह माना जा रहा है कि नवजन चेतना मंच पूरे मेवाड़ और दक्षिणी हरियाणा में हर गांव तक अपनी पहुंच बनाते हुए राजनीतिक रूप से समाज को क्या क्या फायदे मिलने चाहिए, इसकी एक सीधी आवाज़ बन रहा है। यह बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति नवजन चेतना मंच के इर्द गिर्द घूमे। कारण यह है कि सत्ता, सियासत और संगठन से परे हटकर समाज के लोगों की भावना, समाज के लोगों का दर्द और उनके बारे में सोचने वाली शख्सियत वशिष्ठ गोयल ने ना सिर्फ नवजन चेतना मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, बल्कि उनके दुख दर्द के दूर करने के साधन मुहैया करने का प्रयास जारी रखा है। धर्म से लेकर के जातिगत भावनाओं से विलग, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा कैसे बढ़े और कितना आगे बढ़े, यह सोच रखने वाले वशिष्ठ गोयल आने वाले समय में जरूर कुछ बड़ा करेंगे, नया करेंगे। शायद नवजन चेतना लोगों में, नवयुवकों में नई चेतना का संचार करते हुए हरियाणा को परिवर्तन में तब्दील करे और जात पात, जाट गैर जाट की लड़ाई से अलग हटकर लोगों को विकास की सही राह पर चले।